YouTube वीडियो को सीधा SD कार्ड में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि YouTube को वीडियो को SD कार्ड में कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको भी जानना है कि YouTube वीडियो को SD कार्ड में कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें आपको यूट्यूब में ही सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा यू का ऑप्शन, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है, लोगो या फिर कुछ भी कह लो, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लोगो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो वीडियो हम यूट्यूब में डाउनलोड करेंगे वो हमारे गैलरी में जाके सेव होगा, तो यानी कि आपके गैलरी में दिखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब में ही डाउनलोड करेंगे तो आपको यूट्यूब में ही दिखेगा, ना कि आपको गैलरी में दिखेगा, ना कि आपके मोबाइल के SD कार्ड में दिखेगा। यहाँ पे जो आप YouTube की वीडियो को YouTube में ही डाउनलोड करेंगे तो वो वीडियो जो सेव होता है इंटरनल स्टोरेज में, वो इंटरनल स्टोरेज में सेव ना होके आपके मेमोरी कार्ड में सेव होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, फिर आप कमेंट में बोलोगे ये वीडियो फेक है। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि YouTube की वीडियो आप YouTube में ही देख सकते हैं, बट जो सेव होगा वो SD कार्ड में होगा ये सेटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिख जाता है डाउनलोड क्वालिटी। तो यहाँ पे किस क्वालिटी में आपको डाउनलोड करने हैं वीडियो या सॉन्ग, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मीडियम पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, अगर ये ऑन होगा तो आपको ऑफ कर देना है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकमेंडेड डाउनलोड्स, ये अगर ऑन होगा तो आपको इसको तो पहले ही ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा यूज SD कार्ड, आपको इसको इनेबल कर देना है। ओके, इतना ही कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वीडियो को डाउनलोड करके, वो इस वीडियो को डाउनलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें है कि नहीं डाउनलोड का ऑप्शन, इसमें है नहीं तो दूसरे वीडियो हम देखते हैं। यहाँ से हम डाउन 3 डॉट पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें दिख जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। तो ये हमारा ये जो है डाउनलोड हो रहा है, बट ये हमें गैलरी में नहीं दिखेगा, आप YouTube की वीडियो YouTube में ही देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता था, आप कैसे YouTube की वीडियो को SD कार्ड में सेव कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।